ओम शांति। बाबा तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हैं, बहुत बहुत बहुत, कितना धरती से लेके आसमान तक और भी ज़्यादा, हाँ परमधाम तक, न ख्यालों में न ख्वाबों में कि आप आकर हमें ऐसे मिलोगे। तो वो आकर हमें मिले हैं और हम पर खुशियाँ वारी है उन्होंने, आकर के हम पर खुशियाँ वारी है। लेकिन आज की मुरली का प्रश्न क्या था? कि बाबा तो आके हम पर खुशियाँ लुटाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने नोटिस किया है कि बच्चों की खुशी स्थायी नहीं रहती है। कारण क्या? बुद्धि भटकती रहती है, स्थायी नहीं रहती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा? हाँ, क्योंकि आज बाबा ने सर्च लाइट की भी बात कही और उसमें क्या कहा, बाबा से करंट लेनी, शुरुआत मुरली की, मीठे बच्चे बाबा से करंट लेनी है, माना ही सर्च लाइट। तो सर्च लाइट लेने के लिए क्या करना है, तो बाबा से सच्चा लव रखना है। हमारा बाबा से जो योग है, जो बाबा से हम करंट लेंगे, वो योग कौन सा है? हमारा बुद्धि योग है। हमारा योग कौन सा है? बुद्धि योग। और इसलिए बाबा ने कहा कि सर्च लाइट लेने के लिए बाबा से सच्चा लव रखना है। अंडरलाइन है, सिर्फ लव नहीं रखना है, सच्चा लव रखना है। और आगे आया, बुद्धि में नशा रहे। क्या नशा रहे बुद्धि में? कि वो बाप है, मैं बच्चा हूं, ये नशा रहे। इसका मतलब, अगर बुद्धि को बाबा में एक टिक लगाना है, जो आज शिकायत है कि बुद्धि भटकती है, स्थाई टिकती नहीं है, तो मुझे चेक करना है क्या मेरा बाबा के साथ जो प्यार है, जो लव है, सच्चा है? क्या मेरा बाबा के प्रति जो निश्चय है वो पक्का है, या उसमें संशय आता रहता है? क्योंकि डोलना कब होता है? संशय में होता है। डोलना कब होता है? झूठ में होता है। आप किसी को एक झूठ बात बोल दो, आपको अब सोचना पड़ेगा, उस झूठ को याद रखना पड़ेगा कि मैंने उसको क्या बोला, ताकि अगली बार जब वो पूछे तो मुझे उस अनुसार दूसरे झूठ क्रिएट करके बोलना है। लेकिन अगर सच बोलेंगे तो याद रखना पड़ेगा क्या? सच ही तो बोला था ना, जो सच्चाई थी वो बोली थी, और सच्चाई तो दिमाग में है, लेकिन झूठ तो बनाया गया था ना, झूठ को बनाया गया था, और वो शायद याद नहीं रहेगा, इसलिए याद करके रखना पड़ेगा कि मैंने उस समय इस बात के लिए कौन सा झूठ बोला, और अगली बार उस झूठ को फिर से सच बोला था ये शो करने के लिए, दूसरे और 100 झूठों का निर्माण करना पड़ेगा। तो डोलता, हमें डुलवाता कौन है? हमारा झूठ।
हमारा झूठ हमें डुलवाता है, वरना सच तो बीठो नच। डुलवाता कौन है? हमारा संशय। उदाहरण के लिए, हम पहली बार स्टेशन से किसी सेंटर पर जाना है, नई जगह पे जा रहे, इनविटेशन आया, कोई सब जगह हम थोड़ी गए हुए हैं, लेकिन इनविटेशन मिला, चलो उतरे। आने वाले पहुँचे नहीं, अभी हमने खुद जाना है, नई जगह है हमारे लिए, हाँ थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसको, जो आजकल क्या सुविधा है, गाड़ी में बैठो और क्या सुविधा है, GPS आदि, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आपको पैदल चलना है, कहा था थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, कोई साइकिल आदि की, रिक्शा आदि की, गाड़ी आदि की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम जिस दिशा में जाएंगे ना, किसी से पूछ के भी वहाँ पर, लेकिन हमें ना पूरा विश्वास नहीं होगा, आगे चलते हुए दूसरा व्यक्ति दिखेगा, फिर से पूछेंगे, फिर से, और आगे चल के और व्यक्ति मिलेगा, फिर से पूछेंगे। तो दिखाई दे रहा है हमें डोलवाता कौन है? हमारा संशय। हमें डोलवाता कौन है? हमारा झूठ। और इसलिए बाबा को बोलना पड़ता है कि अगर बाबा से सर्च लाइट लेनी है, अर्थात बाबा पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र रखना है, तो ही तो सर्च लाइट मिलेगी ना। तो दूसरे शब्दों में, मन बुद्धि को अगर बाबा में एकाग्र रखना है, तो बाबा से सच्चा लव रखना है और बाबा पे पूरा निश्चय रखना है। और जब बाबा पर सच्चा लव होगा, पूरा निश्चय होगा, तो फिर समर्पण, समर्पण कब होता है? समर्पण के लिए हम कब तैयार होते हैं? जब प्यार हो, जब निश्चय हो, तो समर्पण के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बाबा के लिए समर्पण बुद्धि, और समर्पण बुद्धि माना ही, समर्पण माना ही माना, अब क्या? चलो ये तो समझ लिया कि झूठ जब नहीं होगा, जब सच होगा, हाँ मतलब जब हमारा लव सच्चा होगा, जब हमारी बुद्धि निश्चय बुद्धि होगी, तो हम समर्पण होंगे। और समर्पण होंगे का मतलब क्या? मतलब मेरी बुद्धि समर्पण बुद्धि बन जाएगी, इसका अपोजिट क्या हो सकता है? इसका अपोजिट क्या हो सकता है? बुद्धि में अहंकार का आना। अगर समर्पण नहीं है तो बुद्धि में क्या होगा? अहंकार जागृत हो सकता है। और वो अहंकार जागृत न हो, इसके लिए बाबा को कहना पड़ा, बुद्धि में नशा रहे कि वो मेरा बाप है और मैं उसका बच्चा हूँ। तब जाकर सर्च लाइट ले सकेंगे, मतलब मन और बुद्धि उस पिता पर एकाग्र होंगे। और जब एकाग्र होंगे तो वो करेंट, वो सर्च लाइट मुझ आत्मा में प्रवेश करेगी। और मुझ आत्मा में जब वो प्रवेश करेगी, तो उस सर्च लाइट की मदद से मैं आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाऊंगी। यही था आज का, कि बाबा से सर्च लाइट लेने के लिए सच्चा लाव रखो, बुद्धि में नशा रहे कि वो मेरा बाप है, मैं बच्चा हूँ, और सर्च लाइट से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो सर्च लाइट लेने से कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे? पहले तो हमने ये देखा कि सर्च लाइट मुझे मिले, उसके लिए मेरी बुद्धि एकाग्र हो, और मेरी बुद्धि एकाग्र हो, उसके लिए सच्चा प्यार, निश्चय और समर्पण।
तो बुद्धि हो जाएगी एकाग्र। अब एकाग्र होने के बाद सर्च लाइट मेरे अंदर जा रही है, ये कैसे तमो प्रधान को सतो प्रधान कर देगी, कैसे करेगी? हाँ, क्योंकि बहुत बार भाई बहने ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि योग से विकर्म विनाश कैसे होते हैं। तो बाबा कहते हैं, योग की अग्नि को प्रज्वलित करो, उस योग अग्नि में ही विकार भस्म होंगे। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या सच में आग उत्पन्न होगी? कोई सच में अग्नि उत्पन्न होगी कि जिस अग्नि में विकार जल जाएंगे? ऐसे कई प्रश्न भोले भाले अपने भाई बहने योग के संदर्भ में पूछते रहते हैं। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाना, पहले तो ये बताओ कि तमो प्रधान माना क्या और सतो प्रधान माना क्या। हाँ, साइंस भी कहता है, उसी को बाबा ने सिंपल किया है। साइंस क्या कहता है? लॉ ऑफ एंट्रोपी की बात करता है साइंस, जिसके अनुसार हर चीज पहले नई होती है और समय के साथ साथ वो नई चीज पुरानी हो जाती है, जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, आज की डेट में भी सरकार ने कोई ब्रिज का निर्माण करके आज उद्घाटन किया तो भी उसकी आयु बताई जाएगी, इतनी आयु के बाद ये क्या होने वाली है? पुरानी होगी, होगी ना? और वो कभी भी उसके बाद कोई गारंटी नहीं है, वो चले तो भी चले और गिरे तो भी गिरे, उसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए कई पुलों का जो लाइफ स्पैन है, जो आयु है, जब निर्माण की गई थी उस समय जो उन्होंने बताया था कि ये इतने साल चलेगी और उतने साल हो चुके हैं, तो कभी भी चल रही है भले, पर कभी भी वो ढल सकती है और इसके लिए उसके पुनर्निर्माण का ख्याल किया जाए। जैसे कि पांडव भवन में लाइट हाउस का पुनर्निर्माण क्यों हो रहा है? बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं और अगर समय रहते नहीं किया तो किसी भी समय भुरभुर भुरभुर होके गिर जाएगी। और इसलिए समय रहते उसको क्या करो, पुनर्निर्माण कर लो। तो तमो प्रधान और सतो प्रधान भी वही है, आत्मा पहले बिल्कुल नई थी और पुरानी। अब आत्मा नई पुरानी नहीं होती है, आत्मा की स्थिति नई थी, अर्थात आत्मा 100% चार्ज थी। जैसे बैटरी होती है ना, 100% चार्ज, यूज होते होते डिस्चार्ज। बैटरी तो फिर भी जीरो पे चली जाती है, परंतु आत्मा रूपी बैटरी कभी भी जीरो पे नहीं जाती है। कैसे नहीं जाती है? जैसे चंद्रमा कभी भी पूरा काला नहीं होता है, पूनम के दिन अवश्य वो पूरा चमकता हुआ होगा, पर अमावस्या के दिन पूरा काला नहीं होगा। ये लॉ ही नहीं कहता है कि चंद्रमा पूरा काला हो जाए, एक सिल्वर लाइनिंग उसमें जरूर रहेगी कि जहाँ से फिर से वो प्रकाश की ओर, अधिकतम प्रकाश की ओर बढ़ेगा। कैसे? जैसे जैसे उसका मुख सूर्य की ओर होता जाएगा, ठीक ऐसे ही आत्मा भी 100% चार्ज स्थिति से रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करना
आरंभ करती है और अर्थात ही उस समय आत्मा भी 100% चार्ज है, इसलिए प्रकृति भी उस समय सतो प्रधान है, अर्थात हर प्रकार के प्रदूषण से मुक्त है। आज प्रकृति के पांचों तत्व क्या है? तमो प्रधान है, मतलब क्या है? प्रदूषित है। हवा में स्वच्छता नहीं रह गई है, पानी में स्वच्छता नहीं रह गई है, उसमें प्रदूषित चीज़ें समावेश हो गई है और हम उसे उसी रूप में ग्रहण करते हैं, प्रदूषित रूप में हमारी हेल्थ को वो बिगाड़ देता है। लेकिन सतयुग में जब आत्मा पहली बार उतरेगी, सब कुछ प्रकृति के तत्व प्रदूषण से रहित होंगे, मुक्त होंगे, अपने शुद्ध पवित्र रूप में होंगे। तो शरीर भी कैसा मिलता है फिर? हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि तमो प्रधान जब तत्व हो जाते हैं, लेकिन तत्व पहले तमो प्रधान होते हैं या पहले आत्मा तमो प्रधान होती है? हाँ, पहले आत्मा तमो प्रधान। और आत्मा तमो प्रधान होना माना क्या? हमने पहले दिन ही जब ईश्वरीय ज्ञान लिया तो हमें पहले लेसन में सिखाया गया, आत्मा के पास तीन सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी? मन, बुद्धि, संस्कार। तो वास्तव में अगर आत्मा तमो प्रधान हुई का मतलब क्या है? हमारे मन, बुद्धि और संस्कार तमो प्रधान हुए हैं और इसको ही सतो प्रधान बनाना है, मतलब ही आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। और इसीलिए आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान तक लाने के लिए इन्हीं मन बुद्धि का उपयोग होगा और इसीलिए इसी मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना है। तो जब परमात्मा में इस बुद्धि को लगाएं तो संशय वाली बुद्धि को नहीं लगाना है, क्योंकि ये खुद प्रदूषित है। संशय वाली बुद्धि माना ही तमो प्रधान बुद्धि, डाउट वाली बुद्धि माना ही तमो प्रधान बुद्धि, अहम वाली बुद्धि माना ही तमो प्रधान बुद्धि। और बाबा कह रहे हैं सर्च लाइट किस लिए लेना है? तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए। और इसलिए जब भी हमें बाबा के साथ बुद्धि योग लगाना है, बुद्धि को सरेंडर, बुद्धि को सरेंडर, समर्पण, बहुत ज़्यादा बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा है मेरी सर्च लाइट से आत्मा शुद्ध होगी, तो इस पर मुझे विश्वास करना ही होगा। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि बहन जी, मैंने विश्वास भी कर लिया पर इतना लंबा समय हो गया है योग लगाते 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 लगाते, पर अभी भी विकार तो वार करते ही रहते हैं, तो मैं कैसे समझूं कि विकार मेरे बाबा से बुद्धि योग लगाने से भस्म हुए हैं? और इसलिए फिर प्रश्न उठता है, बहन जी ये सही तरीका है या कोई और तरीका होता है योग लगाने का? तो देखो यहीं पे बुद्धि में संशय उठ रहे हैं,
योग लगाने के नाम पर ही संशय उठ रहे अभी। तो ऐसी बुद्धि एकाग्र कैसे हो सकती है? मुझे कितना भी अच्छा डांस करना आता हो, लेकिन जो मुझे स्टेज दिया गया है वो अप डाउन हो रहा है, वो बहुत हिल रहा है, मैं बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाऊंगी? हालांकि मैं बेस्ट परफॉर्मर हूँ, बट मैं बेस्ट परफॉर्मेंस तब दे पाऊंगी जब मुझे वो धरातल जो दिया गया है, जिस धरातल पर खड़े होकर मुझे डांस की परफॉर्मेंस करनी है, वो धरातल अपने आप में स्थिर हो, उसमें हलचल नहीं हो। अब बुद्धि को ही तो लगाना है बाबा में, अब बुद्धि ही स्थिर नहीं हो रही क्योंकि हलचल है, क्योंकि संशय है। और इसलिए हमें पहले स्वयं को संशयों से दूर कर लेना चाहिए योग लगाने से पहले भी। और आजकल बाबा ने पहले भी कहा हुआ है, ये जितने भी विज्ञान के नई नई जो टेक्नोलॉजीज निकल रही है, ये सब तुम्हें ज्ञान को सहज करके समझाने में बहुत मदद करते हैं। पहले शायद विज्ञान इतना डेवलप नहीं था, जैसे मोबाइल नहीं था, तो हम मोबाइल का उदाहरण देके नहीं समझा सकते थे, लेकिन आजकल मोबाइल आ गया है, बहुत इजीली समझाया जाता है। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए कनेक्टर चाहिए, कनेक्टर के दो छोर होते हैं, एक छोर लगेगा जिस बैटरी को चार्ज होना है, दूसरा छोर लगेगा जहाँ से इसको पावर सप्लाई मिलनी है, तो दोनों बराबर उसमें फिट करने पड़ेंगे और पावर ऑन है वो देखना पड़ेगा कि पावर आ रहा है या नहीं। और अगर आपको दिख पड़ गया पावर आ गया, आप निश्चिंत हो जाते मैंने सही तरीके से सही जगह पर अपने बैटरी को चार्जिंग के लिए रखा है, बट अभी वो थोड़ा वक्त लेगा चार्ज होने को, थोड़ी देर के बाद जाके उठाऊंगा, इसकी चार्जिंग हुई पड़ी रहेगी। पूरा इत्मीनान है, क्योंकि आँखों के सामने दिख रहा है। अब यही उदाहरण दे दो कि योग में बैठने से सचमुच मुझे सर्च लाइट मिली भी या नहीं मिली, कैसे चेक करेंगे? क्या आपने एक तार इधर लगाई थी? एक तार यहाँ लगेगी ना, ये वाली बैटरी को चार्ज होना है ना, तो एक तार लगेगी आत्मा पर, मन तार का एक छोर लगेगा आत्मा पर और दूसरा छोर लगेगा परमात्मा पर। लेकिन मैंने तो लगाया था इत्मीनान के साथ, लेकिन सुबह जब मैं उठा था ना, मैं बहुत इत्मीनान से बिना देखे उठाया, चल दिया ऑफिस को, फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ी, खोला, अरे ये तो चार्ज नहीं हुई है, हलचल तो नहीं हुई तार में, रात को पास में ही तो रखा था, हाथ वाथ लगा होगा, तार हिल गई होगी, तो तार हिलेगी तो चार्जिंग। तो बस इसीलिए बाबा को बोलना पड़ता है, बुद्धि को अगर स्थिर नहीं रखेंगे करंट बाबा की मिलेंगी नहीं, और करंट बाबा की मिलेंगी नहीं तो तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बनेंगे। तो जैसे हमने कहा तमो प्रधान माना प्रदूषण, तत्व प्रदूषित हो गए। आज हमारी तमो प्रधानता कहाँ से दिखती है? बैटरी की तमो प्रधानता कहाँ से दिखती है? बैटरी हार्मफुल रेडिएशन फेंकती है। क्या हम हार्मफुल रेडिएशन फेंकते हैं? फेंकते हैं।
हर छोटी छोटी बात में गर्म हो जाते हैं। हाँ, ये निशानियाँ होती है कि बैटरी कितनी तमो प्रधान है। तो जैसे लंबा समय योग कर रहे हैं तो बेशक हम अभी गर्म नहीं होते हैं, पर हमारी बुद्धि रूपी तार हिलती रहती है। ये तो है, ये तो है या नहीं है? ये तो हिलती रहती है। हाँ, इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को निमित्त बने के भाव में रखना। पहला ही लेसन था, जिसको तुम मैं समझते हो वो मैं है नहीं, वो तो मेरा शरीर है, वो तो मेरा रिश्ता है, वो तो मेरी जॉब है का टाइटल है, वो तो मेरा धर्म है, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो क्या ज्ञान में आने के बाद ज्ञान वाले मेरे को तो मैं नहीं बना रही हूँ मैं? हाँ, जब तक ज्ञान नहीं था मैंने मेरा शरीर बोला, मेरा रिश्ता को मैं बोला, लेकिन ज्ञान में आने के बाद मेरी बुद्धि बहुत शार्प है। हाँ, मैं जो राय देती हूँ ना सब पसंद करते हैं, ये भी तो अहम आता है। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा अहम बुद्धि का होता है। तो कहीं हमें ये तो अहम नहीं आ जाता, अरे दुनिया वाले देखो उनको कुछ नहीं पता है, हम तो कितने ज्ञानी बन गए हैं, कहीं ये तो हमारे अंदर अहम नहीं आ जाता है। हाँ, फिर ब्राह्मण परिवार में कंपैरिजन में तो कहीं हमें अहम नहीं आ जाता है, मेरी विशेषता उससे भी ज़्यादा है, मैं जो लिखती हूँ सब उसको लाइक करते हैं, इसलिए लिखने का काम तो ऑफिस का काम तो मुझे ही सौंपा जाता है, किसी के हाथ में नहीं दिया जाता है, वो फाइलें सब मेरे हाथ में रहेगी, बाकी लोग तो ऐसे वैसे काम के लिए बैठे हैं। जब क्रीम खाना होता है तो मैं ऑफिस वाली वहाँ पहुँच जाती हूँ। ये भी क्या होता है फिर? एक प्रकार का अहम। इसलिए बहुत सूक्ष्मते सूक्ष्म चेकिंग, अपने बुद्धि के अहम की हमें करनी है, क्योंकि अर्जुन भी पूरी गीता किससे भरी हुई है? प्रश्नों से भरी हुई है, आरंभ ही प्रश्न से हुआ है। अर्जुन का प्रश्न, भगवान का उत्तर, लेकिन अर्जुन अपने आप को क्या समझ रहा है? बुद्धिवान। तो उसकी बुद्धि चलती है, फिर एक समाधान मिल गया तो उसकी बुद्धि दूसरा प्रश्न खड़ा करती है, फिर समाधान मिला तो उसकी बुद्धि तीसरा प्रश्न खड़ी करती है। और इसलिए जो भगवान कह रहा है वो उसमें ठहर नहीं पाता है, क्योंकि बुद्धि एक के बाद एक मन में प्रश्न कहो संशय कहो उसको उठाए जा रही है। और वो कब तक प्रश्न करता रहा? 18वें अध्याय तक, पूरी गीता में प्रश्न है, लेकिन वो घड़ी आई जिसके बाद ही गीता का समापन। आखिरी अध्याय में आखिरी श्लोक में अर्जुन कहता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब मैं संशय रहित हो गया हूँ और इसलिए केशव अब जो तुम कहोगे वो सिर माथे पर मैं स्वीकार करूँगा, मैं आपके प्रति पूरा समर्पित हूँ, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा,
भक्ति में गाया था खूब, मेरे जीवन नैया की पतवार तेरे हवाले, तू चाहे जिसको उस पार ले जा रे। क्यों मैं उसको कह रही हूँ तू चाहे इसको किसी भी पार ले जा, क्योंकि मुझे ये विश्वास है वो जिस भी पार लेकर जाएगा उसमें ही मेरा कल्याण होगा। इतना निश्चय भक्ति में हमने सिर्फ अपने भजनों के माध्यम से उस भगवान को सुनाया, लेकिन अब बाबा कहता है अब मैं आ गया हूँ, अब क्यों तुम्हारी बुद्धि इधर उधर भटक रही है? कनेक्शन ठीक नहीं है। तो हमें समझना होगा कि सचमुच बाबा पर बुद्धि केंद्रित करने से, क्योंकि बहुत बार योग के नाम पर कमेंट्रियों का भी बहुत बोलबाला होते जा रहा है कि योग कैसे करें, बहन जी कमेंट्री चालू करें, योग कैसे करें, गीत बजाएं तो योग लगेगा, ऐसे कैसे चुपचाप बैठ जाने से योग हो जाता है, है ना? आते हैं ना बहुत सारे प्रश्न। तो सचमुच सच्चा योग तो वो योग है जिसमें हम, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, परम धाम का एक दूसरा नाम क्या है, शांति धाम, निर्वाण धाम, जहाँ वाणी को कोई स्थान नहीं, काम नहीं। लेकिन हम परम धाम में भी जाकर क्या करते हैं, क्या करते हैं, चलाते रहते हैं ना? तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है कि सच्चा योग तो वो है जिसमें बाप मेरे सामने है और मैं उसके सामने हूँ समर्पण, मुझे कुछ भी संकल्प नहीं चलाने हैं। एक बच्चा माँ की गोद में आ जाता है निश्चिंत, निश्चिंत, इतना निश्चिंत, इतना समर्पण कि बस मैं आपके सम्मुख हूँ। अब सम्मुख होने से क्या हो जाएगा, सूर्य स्नान करते हैं, जब सूर्य स्नान करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सूर्य की प्रकाश की तरफ हमारी बॉडी को रखना होता है, है ना? हमारी बॉडी पर सूर्य की किरणें पड़े, क्या हमें बोलना पड़ता है, सूर्य की किरण मेरे पेट पर, मेरे हाथ पर, मेरे मुंह पर पड़ रही है और उससे मेरे शरीर को गर्मी मिल रही है और उससे मेरे शरीर के अंदर के विषाणु में बोलना पड़ता है। बिना बोले आपको ताप का भी एहसास हो जाता है, बिना बोले विटामिन डी का भी निर्माण हो जाएगा, बिना बोले आपका कफ आदि विषाणु आदि मरेंगे, सूखेंगे, बिना बोले। बस आपकी कंडीशन है आप सूर्याभिमुख होना चाहिए, सन की तरफ आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए, सन के अपोजिट चले गए यहाँ पर भी बस बाप के सम्मुख हो जाओ। आपको शांत रहना ये बहुत बड़ी कंडीशन है, लेकिन प्रश्न उठता है कई बार कि बहन जी पहले दिन के लेसन में ही हमें बताया गया था कि मन माना जो सोचता रहता है, तो मन जो सोचता रहता है उसको यहाँ कैसे बिना सोच के रखे, चुप कैसे रखे, है ना प्रश्न ये भी। इसीलिए तो हमको संकल्प चलाने पड़ते, चलते रहते, चलाने के चलते रहते, क्योंकि पहले दिन तो हमको सिखाया गया था कि मन माना ही जो सोच चलाता रहेगा, अब योग के नाम पे सोच रुके तो कैसे रुके। बेशक बताया गया
ये भी बताया गया कि दुनिया में लोग कहते हैं योग ध्यान मतलब मन को शून्य कर लेना, और यहाँ तो सिखाया जाता है मन को शून्य करना ही नहीं, वो शून्य होता ही नहीं, उसका काम तो सोचना है। अब फिर हम कह रहे योग में संकल्प नहीं चलाना, बहन जी तो विरोधाभासी बातें हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर बोला क्या जा रहा है योग के नाम पर, होता है नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि देखो, कहते हैं किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि कुदरत ने सांस लेने की जिम्मेवारी इंसान के कंधों पर नहीं छोड़ी। क्यों? इंसान भुलक्कड़ है, सांस लेना ही भूल गया तो अकाली मृत्यु। इसलिए इंसान के कंधों पर वो जिम्मेवारी नहीं छोड़ी, उस सिस्टम को उस मैकेनिज्म को ऑटोमेटिक बना दिया कि ऑटोमेटिक सांस आएगी और जाएगी, हम उसको रोक नहीं सकते। बावजूद इसके प्राणायाम किया जाता है, उसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं उसमें, हाँ हमें तो बताया गया कि प्राणों को रोका नहीं जा सकता है, वो तो ऑटोमेटिकली आते हैं और जाते हैं, लेकिन प्राणायाम में क्या किया जाता है, हाँ क्योंकि मालूम है सांस आएगी और जाएगी, लेकिन साधने के नाम पर क्या करते, ओके इनहेल होल्ड, कुछ समय के लिए उसको पकड़ के रखो, तुरंत नहीं छोड़ो, फिर एक्सहेल, फिर उसको वहां पे होल्ड करते हैं और उसके आधार से कई बीमारियां ठीक कर रहे हैं। जबकि हमारी बुद्धि में क्या भरा पड़ा है बिलीफ सिस्टम, सांसों को तो रोका नहीं जा सकता है, फिर भी यह सिस्टम है, सफलता मिलती है या नहीं, आरंभ में होल्ड करने में हो सकता है मैं सिर्फ एक सेकेंड ही होल्ड कर पाऊँ, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन लगन अगर है, प्रैक्टिस निरंतर चालू है, एक सेकेंड से दो सेकेंड भी पहुंच सकती हूँ मैं होल्ड करने में सफल, दो से तीन सेकेंड तक भी मैं सफल हो सकती हूँ, हो सकता है या नहीं हो सकता है, यही जो होल्डिंग पीरियड है इसमें ही तो कमाल हो रही है। अगर इस होल्डिंग पीरियड में कमाल नहीं होती, होल्ड करने के लिए बोला क्यों, आ रही जा रही तो है ही, वो तो सांस तो ऑटोमेटिक आ रही जा रही है ना, तो कमाल उसमें नहीं है, कमाल किस में है, होल्ड कर रहे हैं उसमें। एक गायक भी जब गीत गाता है ना, जैसे अनूप जलोटा का सुना होगा ना, ऐसी लागी, फिर लंबा खींचता है, सभी नहीं खींच पाएंगे, जिसने साधना की होगी वो ही उसको, और उसी को कमाल माना जाता है, कमाल तो उसी, लेकिन उसके लिए साधना, लेकिन वो साधना में सफल हुआ जा सकता है, एग्जाम्पल से ये। ठीक ऐसे ही योग में भी, परमधाम में जाकर भी, जैसे कहा कि हमें बताया गया कि मन तो चलता ही रहता है, लेकिन ये होगी मन की साधना कि मैं एक संकल्प करके बाबा के पास पहुंची, मैं परमधाम घर में बाबा के सामने, बाबा सर्वशक्तिवान, ऐसे संकल्प चलाते रहते हम, लेकिन अब उस संकल्प चलाने को थोड़ा रोको, थोड़ा रोको, स्पेस दो, फिर दूसरा अभी कई बार कहते ज्ञानी संकल्प भी नहीं, ज्ञान के संकल्प चलाते रहते हैं ना, बाबा मुरली में ये भी कहता है अगर ज्ञान के संकल्प सेवा के संकल्प भी चलाते रहे तो भी योग नहीं है। तो क्या चाह रहा है बाबा,
बाबा आपका वो होल्डिंग पीरियड बढ़ाना चाहता है। संकल्प करके पहुंची हूँ और ठहर गई हूँ। क्यों क्यों चाहता है वो? ये शरीर भी दिन भर काम करता है, मन बुद्धि चलते रहते हैं, रात को बिस्तर पर जाते हैं, मतलब पूरे शरीर को हम कहते हैं हॉलीडे, अभी कुछ काम नहीं होगा। इससे मन को भी हॉलीडे पर भेजना पड़ता है, नहीं जाता है इसलिए गहरी नींद होती नहीं है, नहीं होती है ना? और गहरी नींद नहीं होती है इसीलिए आजकल बीमारियां जल्दी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि बॉडी के पास हीलिंग कैपेसिटी है, लेकिन वो हीलिंग कैपेसिटी तभी काम करेगी जब आपका शरीर रेस्ट पोजीशन में हो, जब आपका मन बुद्धि रेस्ट पोजीशन में हो, तब उस रेस्ट के बाद वो हीलिंग कैपेसिटी जो बॉडी के पास है वो उसका रिजुविनेशन करती है। माना कायाकल्प, जिसको कहते शरीर की टूट फूट को फिर से रिपेयर करना और शरीर में बल भर देना, रिचार्जिंग, ये होता ही तब है जब रेस्ट में शरीर होता है। रेस्ट के बाद ही रिजुविनेशन और उसके बाद ही रिचार्जिंग। तो हम भी बाबा के पास जाके, बाबा चाहता है मन बुद्धि बच्चों के कैसे रहे, कंप्लीट रेस्ट में रहे। तो फिर करें क्या वहाँ पे? साक्षी, आत्मा का एक गुण है साक्षी दृष्टा, आत्मा सिर्फ साक्षी होकर देख रही है बाप और ये बच्चा। वहाँ से किरणें आएगी, वो हीलिंग करंट है, वो हीलिंग कर, आप रेस्ट पे हैं तो वो हीलिंग करंट आ रहा है और वो रिजुविनेशन कर रहा है, अर्थात विकारों को भस्म कर रहा है और साथ साथ वो आप में बल भर रहा है। दो काम, सूर्य का प्रकाश भी दो काम करता है कि उसकी रोशनी से पेड़ पौधे मनुष्य सब ग्रो कर रहे हैं, और दूसरा जहाँ भी दलदल कीचड़ मक्खी मच्छर वो भस्म हो रहे हैं उनका विनाश, और दो काम करता है सूर्य। ठीक ऐसे ही ये ज्ञान सूर्य की किरणों के सामने जाकर मैं रेस्ट पोजीशन में आ जाऊँ, और वो रेस्ट पोजीशन कैसे लाऊँ? होल्ड, मैं लंबा समय नहीं रह सकती हूँ चलो, पर थोड़ी देर के लिए लक्ष्य रहे होल्ड, और फिर लगे कि संकल्प आ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आत्मा बाबा के पास, होल्ड, मैं आत्मा। होल्ड के बाद जब लगे कि अभी संकल्प उठ रहा है, कौन सा संकल्प? मैं आत्मा बाबा के पास। इस तरीके से मेरा रेस्ट वाला स्टेज बढ़ेगा, वो हीलिंग करंट मेरे अंदर जाके मेरा रिजुविनेशन करेगा, अर्थात विकारों को भस्म करेगा और आत्मा में बल भरेगा। इसी को कहेंगे आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। दुनिया के अंदर भी आँखों का ऑपरेशन लेज़र बीम से किया जा रहा है, वो लेज़र बीम जाती है अंदर और आपके पुराने लेंस को यूं यूं करके निकाल देती है और फिर नया लेंस बिठा दिया जाता है। बाबा की किरणें भी जाएगी और बहुत चंद पलों में संपन्न होता है आँखों का ऑपरेशन, 8 मिनट 8 सेकेंड पूरा ऑपरेशन, माना पुराना निकालना भी और नया सेट करना भी और मरीज को टेबल से खड़े करना,
इतनी देर में 8 मिनट 8 सेकंड में पूरा काम, तो क्या बाबा के पास अगर इतना क्वालिटी वाला योग मैं 10 मिनट के लिए भी सिर्फ करूँगी मेरे विकार भस्म नहीं होंगे? परंतु हो क्या रहा है, क्योंकि क्लैरिटी की कमी होने के कारण घंटों घंटों तो हम योग में बैठ रहे हैं, पर वो हीलिंग करंट ने जो काम करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम अपने आप को रेस्ट वाली कंडीशन में रख ही नहीं रहे। कमेंट्री के ऊपर कमेंट्रियाँ चल रही है, गीतों के बाद गीत बज रहे, कानों में ही पड़ा है, पूरी देर तक योग चल रहा है और पूरी देर तक यहाँ पे कान में वो ईयरबड पड़े सुने जा रहे हैं। गलत नहीं है वो भी, हाँ आप बाबा के प्यार में हो, परंतु ये वाला कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। एक डॉक्टर के साथ जाके मैं बहुत घंटों घंटों बात कर सकती हूँ ना, प्यार से नहीं कर सकती हूँ क्या? पर उससे मेरा ऑपरेशन तो नहीं हो जाएगा ना, मेरा डॉक्टर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा, उसके साथ अच्छी लेन देन होगी, बट मेरी आँख हील नहीं होगी उससे, समझ में आ रही बात? तो गलत ये भी नहीं है, परंतु पर्पस क्या है मेरा, कि बाप से लव भी किस लिए रखना है, कि बाप चाहता है कि मैं बाप के जैसी बन जाऊं। मैं कैसी बन जाऊं? बाप के जैसी। बाप पे तो कोई विकार नहीं है और इसलिए मुझे विकारों से मुक्त होना पड़ेगा, और विकारों से मुक्त होने के लिए इतनी पावरफुल करंट मेरे पास है, उसके लिए मुझे अपने आप को रेस्ट में रखना पड़ेगा। वो रेस्ट के बाद रिजुविनेशन, उसके बाद रिचार्जिंग, और उसके बाद कर्म क्षेत्र पे आ गई मैं बल भर के और साफ सुथरी होके। ऐसे ही तो करते हैं, रात को सोते हैं गहरी नींद, फिर सुबह रात भर में जो नींद हम सोए हमने क्या एनर्जी को गेन कर लिया, और फिर नहाया धोया और फ्रेश होके पूरी गर्म जोशी के साथ, पूरे नए उमंग उत्साह के साथ, पूरी नई स्फूर्ति के साथ काम पे लगते हैं, यही तो करते हैं। तो शरीर का हो रहा था, लेकिन ये आत्मा का होना चाहिए सेम, कि परम धाम में जाकर विश्राम, क्योंकि विश्राम तो घर पे ही होता है, तो घर तो मेरा परम धाम है, तो वहाँ जाके विश्राम करूँ, तब सही अर्थों में बाबा की सर्च लाइट मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाएगी। ओम शांति।